क्या एनटीपीज आरटीपी से एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? देखो, जवाब हाँ भी है और ना भी। आईसीआई आपकी पेरेंटिंग बॉडी है, वो एनटीपीज आरटीपीज को रिलीज करता है दो रीजंस की वजह से। पहला, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस बुक से बनकर एग्जाम्स में आ सकते हैं। दूसरा, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड टेस्ट योरसेल्फ कि जो क्वेश्चंस आईसीआई दे रहा है आपको क्या उनका आंसर लिखना आ रहा है, और अगर हाँ तो आप सजेस्टेड से मैच करके देख सकें कि कितने मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हैं, आप कितना पानी में हैं, कहाँ आप अटक रहे हैं। बेसिकली ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सेम या सिमिलर क्वेश्चन एमटीपी से उठकर आपके एग्जाम में आएगा या नहीं। इसलिए आप जब एमटीपीज या आरटीपी सॉल्व करें, ये दिमाग से निकाल दें कि सेम क्वेश्चन तो आया ही नहीं एग्जाम में, और नहीं आया तो क्या होगा, पिछली बार आया था या नहीं आया। जब भी सॉल्व करने बैठें, टाइमर लगाकर सॉल्व करें और ये सोचकर सॉल्व करें कि आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस या सिमिलर टाइप का पेपर आईसीआई आपको एग्जाम में देने वाला है। उस चीज के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। इस फीलिंग के साथ में और इस नोशन के साथ में एमटीपीज आरटीपीज को सॉल्व करें, हमेशा फायदे में रहेंगे। सो यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व देम, इट इज गुड टू सॉल्व देम, बट ऐसा नहीं है कि वहां से क्वेश्चंस पक्का आएगा या नहीं आएगा। कुछ भी हो सकता है, आफ्टर ऑल इट इज योर सी एग्जाम। विश यू ऑल द बेस्ट।